अस्सलाम वालेकुम, नए व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी, आज सुबह बारिश लगी रही है और अभी धूप निकली है, तो मैं पढ़ाई करने जा रहा था तो रास्ते से ही वापस आ गया। बारिश वरिश हो गई थी तो आज छुट्टी की है और अभी धूप निकली है। तो इस साइड पर बादल हैं काले और इस साइड से मौसम साफ है, तो आज ठंड हो गई है और हवा भी चल रही है और मौसम बहुत प्यारा हो गया और हर चीज़ निकल गई है। तो ठंड है तो चलते हैं कुछ चीज़ खाने। जी, तो मैं वापस आ गया हूँ और आज पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का मैच है, वर्ल्ड कप हो रहा है। तो आज पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड का मैच है, तो न्यूज़ीलैंड ने बैटिंग कर लिया है और अभी पाकिस्तान की बैटिंग जा रही है। तो बाकी तो वो मैच देख रहे हैं। मैं जा रहा हूँ घर, थोड़ा काम है और वजू करते हैं, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर चलते हैं दोस्त की तरफ, थोड़ी गैस शिफ्ट लगाएंगे। तो तकरीबन 68 रन थे 8 ओवर पर, तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जल्द जीत जाए। जी, तो जो ये जगह है इस पर पहले ये खेत था, ये पूरा खेत था, यहाँ पे गंदम की फसल उगती थी और अभी यहाँ पे प्लाटिंग हो गई है, तो अभी यहाँ पे आबादी बढ़ रही है और मकान बन गए हैं, उधर भी मकान बन गए हैं, इधर भी ये प्लाटिंग हो गई है। और पर ये एक बहुत बड़ा खेत था और यहाँ पे गंदम फसल होती थी, तो उन्होंने जगह बेच दी है, इनकी जगह थी, तो अब यहाँ पे प्लाटिंग है, अब यहाँ पे मकान बन गए हैं और ये वाला रास्ता है और ये सारे मकान, और वो सामने हाई स्कूल है, ये भी ग्राउंड है और वो ग्राउंड की वो हाई स्कूल की मस्जिद है। पहले उधर से रास्ता था वो उन्होंने बंद कर दिया है, मुझे उधर से इस तरह घूम के लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। पहले वो उधर से शॉर्टकट था मगर उन्होंने वो बंद कर दिया, तो उधर से निकलते हैं, पर क्या पता इधर से रास्ता हो। तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं और यहाँ पे मुर्गियाँ लगी हुई हैं अपने रजक तलाश कर रही हैं, ये गोबर पत्थर पे लगा हुआ है। और आज मौसम बहुत प्यारा है, सुबह तो बारिश हुई थी और ये गंदम की फसल है और वो माशाल्लाह व्यू चेक करें, उधर ये कुत्ता बैठा हुआ है। तो पहले वो रास्ता उधर से इस तरह था, तो उन्होंने वो वहाँ पे कांटे लगाए हुए हैं, शायद उन्होंने फसल लगाई होगी या कोई फल सब्जी सब फल तो नहीं सब्जी वगैरह लगाई होगी। तो अभी मैं इधर से जा रहा हूँ, ये वाला रास्ता आया हूँ और ये एक मिनट, हाँ तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं घर, टाइम थोड़ा है। और ये साथ साथ मेरे ख्याल में पालक की है, या हाँ जी पालक ही है, नहीं नहीं ये सरसों है, बिल्कुल ये मेरी गलतफहमी हो गई है, ये सरसों है, ये सरसों है सारी, ये इधर भी लगी हुई है कोने में, उस पार खेत के वहाँ भी सारी सरसों हैं। जी, तो मैं नमाज असर पढ़ के दोबारा इधर वापस आ गया था मैच देखने, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैच जीत लिया है, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, बहुत आसान है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैच जीत लिया है। और अगला मैच इंडिया का और इंग्लैंड का है, उन दोनों में से जो जीतेगा उसका फाइनल में मैच पाकिस्तान से होगा, तो पाकिस्तान से होगा। अल्लाह करे कि अगले मैच में इंडिया के जीते, तो इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल का मैच हो। और अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत खुश हुई आए उन दोस्त के पास, और यहाँ पे उन्होंने सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं और इधर उन्होंने यहाँ पे तोरियाँ लगाई हुई हैं और ये सारा उनका प्लाट है। तो अभी यहाँ पे आऊँ थोड़ी गाफिप लगाते हैं और आज पाकिस्तान की जीतने की खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर भी कोई मकान तैयार हो रहे हैं इधर, और ये दो सामने दो प्लाट है, इधर मेरे ये कज़न का प्लाट है, आपको दिखाता हूँ एक मिनट।
ये जो सामने वाला प्लाट है, ये वाला ये मेरे कज़न का प्लाट है, ये वाला, और ये गली है। और बारिश की वजह से यहाँ पे सारा पानी जमा हो गया, ये बड़ी मुश्किल से बाइक गुजर रहा है। तो ये इनका मेन प्लाट है, सब उधर खड़े हैं, गपशप लगा रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और उनके जो काफ़ी के छोटे भाई हैं वो उधर से पालक को पालक काट रहे हैं पकाने के लिए, शायद पकौड़े बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे थोड़ी गपशप लगाते हैं। यहाँ पे उन्होंने बिजली की भी सहूलत मौजूद है, ये तार है, यहाँ बोर्ड लगाया हुआ है उन्होंने। जब पुराने दौर में तो बोर्ड से नुस्त रखे थे लकड़ी के, तो ये लकड़ी का बोर्ड है, यहाँ पे उन्होंने स्विच लगाए हुए हैं। शायद ये मोटर का स्विच है, वहाँ पे उधर मिसाइल मोटर लगी है, वहाँ से पानी लाने के लिए, और वहाँ पे वो पानी का नल का लगा हुआ है। तो ये इनका ये इस साइड पे यहाँ पे खेत है, पीछे भी खेत है, गंदम की फसल है उधर, और उधर सारे की कर हैं। तो इनकी जो लोकेशन है वो अच्छी लोकेशन है माशाल्लाह जी। तो बात इस तरह के बरादरी में फोतगी हो गई है, तो अभी मैं वापस आ रहा हूँ फोतगी वाले घर से, और मैंने प्राइस से फ्यूटी की है। तो अभी मैं कह रहा हूँ बकरी को चारा डालने, एक को मैंने डाल दिया और अभी दूसरे को डालना है। बकरी को चारा डाल के गया था जनाजा पढ़ने, 11 बजे जनाजा था। तो अभी थोड़ी देर पहले फोतगी वाले घर से वापस आया हूँ। तो अभी मैं गया था शॉप पर, थोड़ी भूख लगी थी, तो ये केक रस ये लेने, तो चाय बनी हुई है घर, अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी ली है, और अभी जा रहा हूँ कज़न के घर। तो ये उनका घर है, और उन्होंने काम करवाया हुआ था, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, प्लस्तर हो गया, दरवाजे भी लग गए हैं, और ये वाली जगह जो दरवाजे की है ये प्लस्तर होती रहती है। तो इस साइड से भी ये काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, तकरीबन ऊपर वो भी हो गया। तो बस अभी यहाँ पे चूना या स्टम्पर लगेगा, स्टम्पर, और ये वाला दरवाज़ा इधर नहीं आएगा, ये नया दरवाज़ा लगेगा यहाँ पर। और अंदर से ये फर्श भी डल गया, अंदर से भी काम मुकम्मल हो गया। इस कमरे की जो वो वाली साइड है अंदर से जो बाहर है, वो उसमें अभी थोड़ा काम रहता है। और बाकी यहाँ पे साल में कोई चिप्स डालेंगे या टाली लगाएंगे, इसका अभी कन्फर्म नहीं है। और ये जो मिस्त्री होता है उसके जो ये फट्टे जिसे हम कहते हैं वो पड़े हैं, और इस साइड से भी हो गया है। बस अभी यहाँ पंखे लाइटें सारा काम है, और यहाँ पे ये फर्श में ख्याल में डालेंगे, इसी तरह रहेगा इसका अभी भी, ये भी नहीं कन्फर्म। तो अभी 50% काम हो गया है, 50% रहता है। और ये इसको आप जानते होंगे तो भूख हमारी जबान में से कहते हैं, जो हमला के लिए करने के लिए बेताब है। तो खिड़की भी लगी है, तो अभी हम थोड़ा काम रहता है, आधा हो गया है, बस थोड़ा रहता है। तो आज जुम्मे का मुबारक दिन है, और मैं अभी थोड़ा काम आया उसका, तो वापस घर जा रहा हूँ। तो आज जुम्मे है, और अभी चलते हैं जल्दी जल्दी घर, ताकि जुम्मे की नमाज़ इंशाल्लाह गांव जाकर पढ़ें। तो आज मौसम बहुत प्यारा है, धूप निकली हुई है, और साथ साथ ठंडी हवा चल रही है, और ये दिखाता हूँ, ये पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं, सफेद के पौधे हैं, और खेत हैं। और अभी चलते हैं घर, ताकि जुम्मे की नमाज़ इंशाल्लाह तक पहुँचूँ घर में इंशाल्लाह जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुँच गया हूँ, और अभी जा रहा हूँ नमाज जुम्मा अदा करने। तो वो सामने मस्जिद का मीनार नज़र है, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो, और जुम्मा के दिन कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुम्मा पढ़ आया हूँ, और अभी चलते हैं घर, खाना खाते हैं, और आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है, और आज के व्लॉग से इतने ही, मिलते हैं अगर नए व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सब के हामी नसर हो, मुझको अपनी दुआओं में याद रखें। तो दुनिया आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटे के बटन को दबा दें, ताकि जो मेरे नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।